और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा खनिज, ठीक है, खनिज और रेयर्स। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, दिस इज पार्ट वन वीडियो। यहाँ पे हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट यदि आप समझ गए, क्योंकि हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि चट्टाने कहाँ कहाँ मिलती है, यहाँ से सवाल बनते हैं। इसका मतलब इस वीडियो में आप एक तीर से दो शिकार करने वाले, एक तो खनिज भी समझ लेंगे आप जहां से सवाल बनते हैं, और डेफिनेटली प्रत्येक बार पूछे जाते हैं, साथ ही साथ चट्टाने यहाँ से भी सवाल प्रत्येक बार पूछे जाते हैं, तो दो चीज काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से कवर हो जाएगी आपकी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। देखिए ये सीजीएल, जेएसएस सीजीएल या जेई हो, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जेपीएससी, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो कि झारखंड एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टाने झारखंड में मिलती है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का मतलब है कि जब हमारी धरती जो है आग का गोला थी, वो ठंडा हो रही थी, ठंडा होते होते जब ठंडी हुई, तो सबसे पहले जो चट्टानों का निर्माण हुआ, उस चट्टान का नाम था आर्कियन क्रम की चट्टाने। इसका मतलब इस चट्टान में कोई भी जीवाश्म आपको देखने को मिलेगा नहीं। सवाल पूछ सकता है, क्या आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम मनुष्य या कुछ था ही नहीं, क्योंकि इतना गर्म में कौन रहेगा। उसके बाद है धारवाड़ क्रम की चट्टाने। आर्कियन क्रम की चट्टाने जब ठंडी हुई और ठंडी हुई और ठंडी हुई, हवाएं लगी, तो उस टाइम में इसको आपको जो है ये कन्वर्ट हो गई धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्कियन और धारवाड़ झारखंड में सबसे ज्यादा मिलती है। आप देखिए प्लस साइन से हमने दिखाया है, झारखंड में प्रत्येक जगह आपको ये देखने को लगभग मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बिंद क्रम की चट्टान। तो बिंद क्रम की चट्टान में आगे थोड़ा बता दूं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहा बहुत मिलेगा। क्या मिलेगा? लोहा। आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि आर्कियन क्रम की जब चट्टाने ठंडी हो रही थी, तो ठंडी हो, देखिए आर्कियन क्रम में आपको मिलेगा ग्रेनाइट। क्या मिलेगा? ग्रेनाइट मिलेगा, ठीक है, ग्रेनाइट मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट चट्टान है, बहुत हार्ड होता है, काला कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टाने, मतलब कि जब ठंडी होने लगी, तो लोहा सबसे पहले जो है ऊपर में जमा, ऊपर में जमा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बिंद क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और ये बिंद क्रम की चट्टाने आपको गढ़वा जिले में देखने को मिलती है। तो सवाल पूछता है कि बिंद क्रम की चट्टाने कहाँ मिलती है, तो आंसर होता है गढ़वा। नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टाने। इसमें आपको कोयला मिलेगा, 90% कोयला यहाँ पे मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टाने। कहाँ है सर गोंडवाना क्रम की चट्टाने? लातेहार है, पलामू है, बोकारो है, धनबाद है, ठीक है, लोहरदगा आप देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, तो गुमला में, उसके बाद आप देख पा रहे हैं सरायकेला खरसावा, ईस्ट सिंहभूम, इन जगहों में, बोकारो धनबाद तो है ही, इन जगहों में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टाने मिलेंगी। धनबाद में सबसे ज्यादा और झरिया में आपको सबसे ज्यादा कोयला मिल जाएगा। हो गया क्लियर, कोयला वाला क्लियर। उसके बाद राजमहल ट्रैप, दक्कन लावा की चट्टाने, ये आपको कहाँ मिलेगी? गोड्डा में मिलेगी, पाकुड़ में मिलेगी, साहिबगंज में मिलेगी, दुमका में भी थोड़ी सी मिलती है, ठीक है। तो ये संथाल परगना में मिलता है। उसके बाद आपको ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है राजमहल ट्रैप की चट्टान। ये कैसे बना? दक्कन लावा समझते हैं, जब धरती फट जाती है, नीचे की जो मोल्टन मेटल ऊपर निकलती है मैग्मा, तो वो लावा बनती है, और वो लावा की चट्टाने आपको देखने को मिलेगी साहेबगंज, और कहां पे हमने बोला, गोड्डा, पाकुड़, दुमका में, ठीक है। ये जो है इसमें आपको लेटराइट मिट्टी काफी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? लेटराइट मिलती मिलेगी, और यहाँ पे आपको बॉक्साइट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? बॉक्साइट, जिसमें सीमेंट बनता है, ठीक है। सवाल पूछा जाता है कि बॉक्साइट का अनुमान कहाँ लगाया गया, अनुमान से पूछा जाता है, तो आंसर हो जाता है राजमहल की पहाड़ी। नेक्स्ट है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का मतलब है कि जहां पे नदी बह रही है, गंगा नदी हो या कोई भी नदी हो, नदी बह रही है, बड़ी बड़ी नदी, तो उससे क्या होगा, मिट्टी काट के वो ले जाती है, कहीं पे जमा कर देती है, उससे निक्षेप बनता है, जलोढ़ निक्षेप, ठीक है। तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप आपको मिलेगा सरायकेला खरसावां, उसके बाद ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है, उसके बाद आपको साहेबगंज में भी आपको ये देखने को मिलेगा, पाकुड़ में भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नदी है, गंगा नदी आप देखेंगे इस तरह से बहती है, उसके बाद स्वर्णरेखा नदी भी आपको नीचे में मिल जाएगी, तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए तो आपको पता है स्वर्णरेखा नदी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हुड्रू फॉल्स जो है जिसपे, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए हमने नदी को अलग से कवर किया, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं बेसिक कंसेप्ट पे, चट्टानों के प्रकार में हमने पूरा कवर कर लिया कि कैसे कहाँ पे क्या मिलती है। अब देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस प्रकार का लोह अयस्क झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये क्या मिलता है भाई? देखिए सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, यदि हम लोग बात करें अयस्क और क्या, अयस्क एक नाम सुना आपने और दूसरा सुना खनिज, क्या होता है भाई ये किस चिड़िया का नाम है? अयस्क का इंग्लिश में बोलते हैं ओर, और खनिज को बोलते हैं मिनरल। क्या होता है बाबू लोग? देखिए प्रत्येक ओर मिनरल होती है, प्रत्येक ओर क्या होते हैं? मिनरल होते हैं। मतलब समझिए, मान लीजिए यहाँ पे कई सारे मिनरल पड़े हुए, बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे मिनरल पड़े हुए। अब इस मिनरल में से जिस मिनरल से आराम से आप कोई भी
मतलब लोहा, सोना, चांदी, अल्मोनियम निकाल सकते हैं। देखिए और दो टाइप की होती है, मेटेलिक और भी होती है, नॉन मेटेलिक और भी होती है। मतलब जैसे कोयला निकालना या आपको सोना निकालना, चांदी निकालना है, अल्मोनियम निकालना है, जिससे आराम से आप निकाल सकते हैं। मतलब ये मिट्टी में ही मिला हुआ है, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ अलग से कुछ भगवान ने बनाया, मतलब मिट्टी में वो मिला हुआ है, लेकिन जिसमें आराम से निकाल सकते हैं आप, ज्यादा निकलेगा ठीक है उसको बोलते हैं। और जिसमें कम निकलेगा, कम क्या मतलब मिनरल तो सभी, ये सारे मिनरल ही है, लेकिन और उसी को बोलेंगे जो अच्छा किस्म का है। समझ गए आप? तो जैसे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं ना, तो क्वालिफाई वही करते हैं जो अच्छा किस्म का है, वही चीज यहाँ पे है ठीक है। तो और लाइक भी वही करते हैं, जिनको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए समझ गए बात यहाँ तक आप, और किसको कहते हैं? तो और जो है वो एक मिट्टीदार, मतलब कि मिट्टी में ही मिला हुआ है लेकिन आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि खनिज में भी आप मिनरल में, वैसा नहीं कि इससे निकाल नहीं सकते, इससे भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन उसमें ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मतलब पैसा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, जितना खर्चा हो जाएगा उतना आमदनी नहीं होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाएगा। तो ये चीज है, तो आराम से आप बेच भी नहीं पाएंगे कभी। आप लोहा निकालेंगे 50 रुपया किलो ठीक है, और उसको बेचना है 100 रुपया में, कैसे मतलब समझ रहे बात? उसमें आप 1,000 रुपया खर्चा कर दिए और आपको बेचना है 50 रुपया में, बेच पाएंगे कभी? लॉस हो जाएगा, बेच क्यों नहीं पाएंगे ठीक है, समझ गए बात? तो यही चीज है। अब देखिए हेमेटाइट जो है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, इसमें आपको आयरन परसेंटेज मिलेगा 70%। उसके बाद मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये चार इंपॉर्टेंट अयस्क है आयरन की। इसका कलर लाल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन होता है नहीं, तो आयरन ओर का कलर लाल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद मैग्नेटाइट में होता है 72.4%, Fe3O4 इसका फॉर्मूला होता है ठीक है। उसके बाद सीडेराइट जो कि जो है आप देख पा रहे हैं कार्बोनेट अयस्क है, FeCO3 फॉर्मूला, इसमें होता है 48.2%। लिमोनाइट का लगभग 55 से 59.8% इसका जो है रेशियो होता है, इसमें परसेंटेज होती है ठीक है। तो सबसे अच्छी किस्म की हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है जी? इसमें 72.4% में, इसका मतलब मैग्नेटाइट सबसे अच्छी किस्म की लोहा है। मगर झारखंड में मैग्नेटाइट आपको ज्यादा मिलेगा नहीं, मिलेगा कौन सा? हेमेटाइट, मतलब दूसरी नंबर की जो क्वालिटी वाली है वो मिलेगी। इसका मतलब है हेमेटाइट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए हेमेटाइट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ससागदा किरीबुरु जामदा किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है देखिए, ससागदा किरीबुरु जामदा जो है ये पश्चिमी सिंहभूम पड़ेगा और ये फेमस है, आपको पता होनी चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पश्चिमी सिंहभूम, हमने मैप में दिखाया और हमने कहा कि लोहा का यहाँ पे बेल्ट मिलेगा आपको, लोहा ज्यादा मिलेगा, तो आराम से आंख बंद करके लोहा लगा दीजिएगा, ऑप्शन सी तो सही हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या चलेगा, अगला सवाल क्या है? चिड़िया ठीक है, उसके बाद वन सिया बुरु, उसके बाद बादाम पहाड़ और किरी बुरु, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपको पता है कि जो टाटा स्टील है उसकी आपको आयरन और यहाँ पे मिलेगी ठीक है, माइनिंग वगैरह। अब यहाँ पे लो एस खाने किस जिले में जो है अवस्थित है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम में आपको आयरन और ज्यादा मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम में हमने बोला कि नदी वाला निक्षेप है, वहां पे वहां नहीं मिलेगा ज्यादा, पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर, गुरु महेशानी किस जिले में अवस्थित प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है? तो यहाँ पे गुरु महेशानी मिलेगा आपको उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। हालांकि उड़ीसा का मयूरभंज यदि ऑप्शन में न रहे तो करिएगा टिक पश्चिमी सिंहभूम ठीक है, क्योंकि ये पश्चिमी सिंहभूम के बॉर्डर में ही स्थित है ठीक है। उड़ीसा आप देख पा रहे हैं, साउथ में उड़ीसा है ठीक है। यदि हम लोग बात करें जिलों की, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है सवाल यहाँ से कि ईस्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट में पड़ता है छत्तीसगढ़ और यूपी, और नॉर्थ में पड़ता है बिहार, और साउथ में पड़ता है उड़ीसा। तो पांच राज्य ऐसे हैं जो झारखंड के बॉर्डर को शेयर करते हैं, झारखंड के दो जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर नहीं करते किसी अन्य राज्य से। देखिए क्या क्या है, लोहरदगा और खूंटी, ये किसी अन्य राज्य से इसकी अपनी सीमा नहीं लगती ठीक है। चलिए तो पश्चिमी सिंहभूम, यदि मयूरभंज ऑप्शन में ना रहे तो पश्चिमी सिंहभूम ठीक करिएगा, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम में लोहा की पट्टी है ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है मैग्नीज का प्रयोग इनमें से किस उद्योग में होता है? ठीक है तो सभी, शीशा गलाने में भी होता है, इस्पात निर्माण में, इस्पात मतलब स्टील मेकिंग में, उसके बाद युद्ध सामग्री बनाने में, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, सिंहभूम में चक्रधर फूल जो कि वेस्ट सिंहभूम पड़ता है, काफी फेमस नाम है आपको पता होगा, मुसबनी ये भी काफी फेमस नाम है, इस सिंहभूम तक किस अयस्क की पेटी प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तांबा ठीक है, तो नाम याद रखेगा तांबा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये क्या करती है, तांबा का निष्कर्षण करती है, तांबा निकालती है। उसके बाद झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है? देखिए ये इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ये अंग्रेजों के जमाने की कंपनी थी ठीक है, अंग्रेजों ने बनाया था 1924 में ठीक है, तो याद रखिएगा 1924, और ये मुसोबनी में बनाया गया था। मुसोबनी एक खनन शहर है ठीक है, आप मैंने अभी बताया था कॉपर के लिए काफी फेमस है मुसोबनी, अभी तो हमने क्या था यहाँ पे देखिए ध्यान से मुसोबनी ठीक है। नेक्स्ट सवाल करेंगे, अगला सवाल क्या हमारा, अगला सवाल है
सुरादा धोबनी केंदाडी घाटशिला, नाम से घाटशिला मिल जाए आपको, आराम से टिक करिए तांबा आंख बंद करके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है। यहाँ पे कंडक्टर लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्या होता है कंप्यूटर कई बार ट्रांसलेट करने में दिक्कत कर देता है, यहाँ पे इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, इंसुलेटर तो क्या हो जाएगा, सीसा भी होगा अभ्रक भी होगा, मतलब ऑप्शन डी, ये इसमें जो है विद्युत पास नहीं होती। ठीक है, तो एज ए इंसुलेटर इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, कौन सा खनिज प्राय चांदी एवं जस्ते के साथ गैलेनियम नामक खनिज से जो है पत्थर प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, कौन सा खनिज प्राय चांदी एवं जस्ते के साथ गैलेनियम नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है। गैलेना का मतलब क्या होता है, PbS, ठीक है, लेड सल्फाइड। ठीक है, तो ये PbS आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेड टू सल्फाइड इसको बोलते हैं, PbS है ये। तो यहाँ पे लेड सल्फाइड से क्या क्या निकल सकती है, तो इसमें आप निकाल सकते हैं चांदी भी, जस्ता, और लेड तो आप निकाल ही सकते हैं क्योंकि ये लेड का अयस्क है। ठीक है, तो वही सवाल पूछा गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, लेड मतलब सीसा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए। तो झरिया बच्चा बच्चा जानता है, धनबाद में पड़ता है, ये कोयला के लिए फेमस है, 90% से लगभग कोयला यहाँ पे आपको मिलेगी झारखंड में। झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट साफ किया जाता है, तो साफ करने का काम मोरी में किया जाता है, जो कि रांची जिला में पड़ता है। यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडाल्को, हिंदुस्तान अल्मोनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है याद रखिएगा, और आदित्य बिरला समूह की यह कंपनी है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, इनमें से किस अयस्क हेतु छाप द्वारिया पकड़ी एवं औरंगा प्रसिद्ध है, तो यह बॉक्साइट के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, राजमहल की पहाड़ियों में किस प्रकार के अयस्क के भंडार का अनुमान व्यक्त किया। हमने बोला था ना अनुमान की बात करेगा ये, तो ये हो जाता है बॉक्साइट, हमने बताया था बॉक्साइट आपको राजमहल की पहाड़ी यहाँ पे मिलेगी साहिबगंज में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि राजमहल की पहाड़ी आप देखेंगे तो पाकुड़ तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इनमें से किस खनिज का प्रयोग कांच बनाने और कांच का रंग उड़ाने में किया जाता है, तो सही आंसर हो जाता है मैंगनीज। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, पेरोलुसाइट एवं साइलोमेलिन किसके अयस्क है, तो ये मैंगनीज के अयस्क है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, नेक्स्ट सवाल है लिमतू कालिंदा बंसाडेरा और बरज मुंडा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है, तो मैंगनीज के लिए फेमस है, नाम याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, रांची का खलारी होमार एवं हजारीबाग का बरकट्टा और बसीर किस खनिज हेतु बहुत फेमस है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, चूना पत्थर, जैसा कि हमने कहा जहां नदियां मिलेंगी वहां चूना पत्थर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, डोमचाच गावा चटकारी एवं चाकल किस ऐस के खान हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, अबरक ऑप्शन इज द राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और अबरक की हम लोग बात करें तो शायद कोडरमा काफी फेमस है, राइट, कोडरमा। ठीक है, और एक नाम यहाँ पे बोल दूं मैं, जादू गोला किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए। ठीक है, जादू गोला, और जादू गोला यूरेनियम के लिए फेमस है, और जादू गोला में एक मंदिर है जिसका नाम देवड़ी मंदिर है। नहीं, जादू गोला में देवड़ी मंदिर है क्या, कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है, जादू जो देवड़ी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, जादू गोला में देवड़ी नहीं, यहाँ पे रंकिनी मंदिर है, राइट, रंकिनी मंदिर, रंकिनी मंदिर काफी फेमस मंदिर है। ठीक है, आपको देवड़ी मंदिर तो रांची में मिलेगा, और वो हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो है वहां पे जाते रहते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, नेक्स्ट सवाल है झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं, तो ग्रेफाइट आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको पलामू में। ठीक है, ग्रेफाइट आपको यहाँ पे पलामू में मिलेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे पलामू, यहाँ पे, यहाँ पे, तो पलामू है, पलामू एक ऐसा जिला है जो कि सबसे ज्यादा क्या है, ये सबसे ज्यादा सुखार वाला एरिया। सवाल पूछा जाता है पलामू में सबसे ज्यादा सुखार कहाँ लगती है, तो पलामू, सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ लगती है, तो इधर आ जाइए, इसके ऑपोजिट साहेबगंज, काफी इंपॉर्टेंट नाम है याद रखिएगा। ठीक है, तो पलामू में आपको क्या मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा, राइट, तो ग्रेफाइट काफी इंपॉर्टेंट है नाम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे काला सीसा के नाम से जाना जाता है, नहीं काला सीसा, और काला ब्लैक डायमंड के रूप से कोयला को जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको गोंडवाना क्रम की चट्टाने मिलेंगी, और हमने देखा था कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला भी मिलता है। ठीक है, तो कोयला काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट जो है वो क्या है, ग्रेफाइट क्या है, तो ये कोयला का ही अपर रूप है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए, एक खासियत है कोयला में, हम बात करें डायमंड की, हीरा की हम लोग बात करें, तो डायमंड में आपको क्या मिलेगा कि जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वो कुचालक है, मतलब कि कंडक्टर नहीं है, जबकि ग्रेफाइट में आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें आराम से क्या जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो जो पेंसिल का नीब होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, इनमें से कौन सा खनिज आर्कियन युग की युग युग ठीक है युग की निस चट्टानों से बनी है, तो ग्रेफाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से किसे
परमाणु रिएक्टर के मॉडरेटर के रूप में जो है यूज किया जाता है, तो आपको पता है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये है इलेक्ट्रिक, ये है परमाणु रिएक्टर। ठीक है, इसमें आपको पता है यूरेनियम का यूज किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, आपको रशिया में काफी ज्यादा मिलेगा, वहां पे रशिया में तो सबमरीन में जो है ये फ्लोटिंग वाला जो बहुत ज्यादा मिलता है, कई दुर्घटनाएं भी रशिया में इससे हो चुकी है। ठीक है, जैसे तारापुर परमाणु बिजली घर हो गया, इस तरह से कई सारे कलपक्का परमाणु बिजली घर, कई सारे परमाणु बिजली घर आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल रॉड जो बनी हुई है ना, इस तरह से घुसाते हैं निकालते हैं, ये अंदर जाती है बाहर निकलती है। जब हमें ज्यादा यूरेनियम, मतलब होता क्या, देखिए यूरेनियम को जब आप तोड़ेंगे ठीक है इस तरह से, तो इसमें क्या होता है फ्यूजन, और एक नाम आपने सुना होगा फ्यूजन, एक होता है फिजन। ठीक है, फिजन तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा फिजन। फिजन का मतलब होता है विखंडन, विखंडन। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है संलयन। तो संलयन का मतलब ये हुआ कि जब छोटे 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 जो कण होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो बड़े कण का निर्माण करते हैं ये मिलके, तो इसको बोलते हैं संलयन। जैसे हमारे जो है सूरज में होता है संलयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बन के हीलियम का निर्माण करती है। मगर फ्यूजन का मतलब है कि बड़ा चीज है उसको आप छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, जैसे यहाँ पे होगी परमाणु रिएक्टर में करेंगे आप। तो इससे क्या होगी कि जब बटेगी तो बहुत सारे जो है कण निकलेंगे। आपको ज्यादा कण नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा, यदि ज्यादा कण रहेगा तो कंट्रोल रिएक्शन नहीं, कंट्रोल नहीं होगा, फिर ज्यादा चीज होने से क्या होता है कंट्रोल नहीं होता, तो कंट्रोल नहीं होगा और विस्फोट वगैरह हो सकता है। तो हमको कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कार्बन रॉड घुसाना पड़ेगा। ठीक है, और वही रॉड जो है ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल क्या हमारा, झारखंड में एस्बेस्टस किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो एस्बेस्टस मिलेगा आपको धारवाड़ की चट्टानों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की करेंगे हम। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, एस्बेस्टस के भंडारण में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है पहला। ठीक है, पहला स्थान है। नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रुई की भांति काटा और बांटा जाने वाला खनिज है? तो रुई की भांति आप एस्बेस्टस को काट सकते हैं, और सोडियम एक इंपॉर्टेंट है, सोडियम को भी आप चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है क्योंकि ये काफी रिएक्टिव होती है, बाहर रखोगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम जो है ऑक्साइड बना लेगा और वो हो जाएगा खत्म। ठीक है, याद रखिएगा ना। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस नदी की बालों में अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है? बच्चे बच्चे को पता है स्वर्ण रेखा नदी, इसलिए नाम है स्वर्ण, स्वर्ण रेखा। यहाँ पे स्वर्ण रेखा, इसको ऐसे भी बोलते हैं सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या चलेगा, अगला सवाल क्या हमारा, अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले में सोने का भंडार है? ठीक है, तो सोने का भंडार आपको कहाँ मिलेगा, गढ़वा में मिलेगा और रांची भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बी और सी दोनों। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, नेक्स्ट सवाल देखिए, सोना का प्रोडक्शन यही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ही करता है, कॉपर का भी करता है सोना का भी करता है। ठीक है, क्योंकि उसी में आपको यह भंडार मिल जाता है, कॉपर वाले एस्क में ही सोना मिल जाता है और उसी से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब सोना भी उससे निकल जाता है, सोना भी ये निकालती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या करेंगे हमारा, नेक्स्ट सवाल है, सोने के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? छठा। हालांकि ये ऊपर नीचे घटता बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए मिंडल, इसके लिए ईयर बुक आती है। ठीक है, मिंडल की ईयर बुक आती है और प्रत्येक बार डेटा जो है उस तरह से नहीं रहता, मैंने देखा है कई बार, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो जिसके कारण ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये छठा स्थान है। ठीक है, हालांकि ये सवाल, इस तरह के सवाल आपको पूछे नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या, देखिए पहला वाला पूछा जाएगा कि पहला किसका स्थान है। ठीक है, या नन कोकिंग कोल कहाँ पे मिलता है? तो नन कोकिंग कोल झारखंड में मिलता है। ठीक है, तो ये सवाल पूछेगा क्योंकि नन कोकिंग कोल सिर्फ और सिर्फ झारखंड में मिलता है, जिसे हम घर गैर कोकिंग कोल बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, डिनाइट, पेरिटोडाइट और सेपेटाइन किस खनिज को प्राप्त किया जाता है? तो क्रोमाइट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, कौन सा खनिज, कौन सा क्षेत्र क्रोमाइट जो है के लिए प्रसिद्ध है? तो चाईबासा फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, कैसिट राइट नामक अच्छी धातु से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो कैसिट राइट के नाम से टीन पाया जाता है, क्या मिलता है? टीन। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोडरमा, जैसा कि हमने बताया था कोडरमा। नेक्स्ट सवाल है, वेस्ट सिंहभूम का जोजो धातु किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट के लिए फेमस है। नेक्स्ट सवाल हमारा, नेक्स्ट सवाल है, किस खनिज की खानी धागीडीह, कनीमाल एवं मोहनपुरा में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा काइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, काइनाइट के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। ठीक है, ये बार पूछा जा सकता है क्योंकि इसका पहला स्थान है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा खनिज मुख्य रूप से कोयले की तहों के में पाया जाता है, मतलब कोयला की तहों के नीचे पाया जाता है? ठीक है, तो ये मिलता है अग्नि मिट्टी, सही आंसर हो जाएगा फायर क्ले बोलते हैं इसको, फायर क्ले, CLAY। फायर क्ले क्या होता है कि ये जो है मतलब कि एज अ रिफ्रैक्टरी आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि
इससे जो है ईटा बनाया जाता है, ब्रिक बनाया जाता है, मतलब कि जैसे ब्लास्ट फर्नेस में लगाना चारों साइड में, ठीक है, हीट बाहर निकलने नहीं देना। तो ये आप यूज करेंगे इस फायर क्ले मिट्टी का, इस मिट्टी से आप ईटा बनाएंगे जो कि अग्नि प्रतिरोधक होगी, मतलब कि हीट रेजिस्टेंस होगी, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे। अगला सवाल है, झारखंड में किस जिले में अग्नि मिट्टी का भंडार है? तो ये लातेहार में आपको देखने को मिलेगा, हमने दिखाया था, ठीक है। और लातेहार में एक फेमस है, आपको पता है, लोधागाग जलप्रपात काफी फेमस है, जिसे लोध जलप्रपात बोला जाता है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, सिंभूम में चूना पत्थर का उत्पादन होता है, ठीक है, तो सिंभूम में चूना पत्थर आपको मिलेगा जगन्नाथपुर में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस जिसे काले हीरे का के नाम से जाना था, काला हीरा किसको बोलते हैं? ब्लैक डायमंड बोला जाता है कोयला को। नेक्स्ट सवाल है, काला शीशा तो ग्रेफाइट को।